फ्रेंड्स, मैं नूरजहान रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। लोगों को उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आखिर लॉकडाउन के आज 50 दिन बीत चुके हैं, कुछ अच्छी बातें निकल कर आएगी। कुछ जो मजदूर हमारे इस दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें ट्रेन हादसा है, सड़क हादसे में बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमें पता तक नहीं चला कि वो कहां पर मर गए। आपको बता दें कि कल दानिश अली अमरोहा के जो सांसद, उन्होंने बताया कि हैदराबाद में एक लड़का घर पहुंचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाया और आखिर में उसने अपने आप को मौत के गले लगा लिया। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान को गले लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पता नहीं है कि वो लोग कहाँ चले गए। आज देश में कोरोना वायरस से जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे कहीं ज़्यादा लोग इधर इधर आपको बता दें कि भटक रहे हैं। आज देश पर महिलाएं जो है वो सड़कों पर पैदल चढ़ने के लिए मजबूर हो रखी है, इतना ही दावा कर लिया जाए, लेकिन आज भी देश के अंदर परसों पीड़ा यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए जो महिलाएं हैं वो सड़क पर बच्चों को जन्म दे रही है। तो यानी कि इस तरीके के हालात है, और उस दौरान लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज देश को संबोधित करेंगे तो शायद कुछ अच्छी बातें निकल कर आएगी। ये साफ था कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना, इसमें कोई दो राय नहीं थी, किसी को भी कोई शंका नहीं थी। हमने भी 5 बजे ही बता दिया था कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जो देश की जनता है उसके गुनाह क्या है? क्या वोट देना उनका गुनाह है, या मजदूरों ने जिन्होंने सरकार को चुनकर सत्ता में बिठाया, क्या उनका गुनाह है? हकीकत में गुनाह तो जनता से ही हुआ है कि ऐसे लोगों को सत्ता में पहुंचा दिया जिनको सत्ता के बारे में या गरीबों के बारे में कोई ख्याल था ही नहीं है। आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और क्या बात कही। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं घुमा फिरा कर कहने की कोशिश ना करके सीधे आपको बताऊं, तमाम बातों को घुमा फिरा कर कहने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उनके भाषण पर कंट्रोल करने की कोशिश करूं, तो 4 बातें मुझे ऐसी लगी जो हम आपको बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था, वो घिसी पिटी भाषण, वो घिसा पिटा लाइन, और इसके अलावा कुछ भी उस भाषण में देखने को नहीं मिला। मैंने पूरा उस भाषण को देखा, भाषण के अंदर ऐसी बात थी कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है, 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज दिए जाएंगे, जनता को कितने कितने रुपए मिलेंगे, सीधी भाषा में बताइए कि एक आदमी को कितना रुपया मिलेगा। दूसरी बात, आप चलो ठीक है, आप किसी को दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आज भी देश में अधिकांश आबादी करीब 50 से 60 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके पास किसी भी तरीके का कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का बैंक की जो कार्ड होता है वो, राशन कार्ड कुछ भी नहीं है। आपने उसके लिए क्या किया है वो भी आप हमें जानकारी दीजिए। आज आपको बता दें कि देश में अलग अलग जगहों पर मजदूर फंसे हुए, आप उनको लाने के लिए जो ट्रेन का किराया है वो 4 गुना कर रहे हैं। किस तरीके के हालात देश में पनप रहे हैं, और आप क्या देना चाहते हैं, कम से कम देश को एक्सप्लेन करके बताइए। मोदी जी, हम आपसे सिर्फ इतना आग्रह करना चाहते हैं कि आज देश को भाषण की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके भाषण पर देश पूरे 6 साल से सुनता है और हमेशा सुनता रहेगा, लेकिन आज देश को आपसे उम्मीद है, आपसे अपेक्षा है कि जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कम से कम उनका गुनाह क्या है ये तो देश को बता दीजिए। आज आपको बता दें कि देश के अंदर आज भी करीब 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 अगर हम देखने की कोशिश करें, अगर सरकारी आंकड़ों को भी देखें तो 30 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो फिर उन 30 करोड़ लोगों के पास राशन कैसे पहुंच रहा है? और आपको बता दूं, मैं पंजाब से एक खबर मेरे पास है जहां पर 20 परिवार है दलितों के, उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है, लेकिन उनको राशन नहीं दिया जा रहा। SDM को शिकायत कर दी, कलेक्टर को शिकायत कर दी, सबको शिकायत करने के बाद भी उनको राशन नहीं मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे, हाँ लॉकडाउन को आप कोरोना के लिए आगे बढ़ाएं, पीछे घटाएं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज सड़क पर मजदूर मरने के लिए मजबूर है। और जिन लोगों ने सड़क पर पुलिस के डंडे खाने के डर से रेलवे पटरी पकड़ी थी, वो औरंगाबाद में किस तरीके से मारे गए सबको पता है। आपको बता दें कि आज देश के अंदर बहुत सारी महिलाएं सड़क के ऊपर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर है, और उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनके लिए शताब्दी एक्सप्रेस से भी महंगा किराया दिया जा रहा है, और आप भाषण देने के बाद ये बात करें। और दूसरी, अगर उस भाषण की बात करने की कोशिश करें तो उस लॉकडाउन जो भाषण था उसमें यह साफ था कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसमें किसी को कोई दो शंका थी नहीं, पहले से ही तय था कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इसके अलावा हम तीसरी बात करें तो उस भाषण के अंदर ऐसा कोई भी लाइन नहीं था जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। आज देश को भाषण की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है राशन की, और जरूरत है मजदूर को, प्रवासी मजदूरों को या तो उनके घरों पर रखा जाए या फिर उनको उचित जगहों पर ठहराने की कोई व्यवस्था की जाए। आज देश के मजदूर आप पर विश्वास नहीं कर रहे, देश का मजदूर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर दिल्ली में नहीं रुक पा रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रहा और अपने घरों के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका साफ मतलब देख लीजिए कि उन्हें
आपकी सरकार पर, जो राज्यों की सरकारें हैं उन पर विश्वास नहीं है, वो लोग अपने घरों पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपको कम से कम इस चीज को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर आगे आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो सरकार है वो क्या कुछ करने वाली। लोगों को आपसे उम्मीद थी कि आप देश की जनता को बहुत कुछ ऐसी बातें बताएंगे, लेकिन उस भाषण को देखकर बहुत दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या कोई मुख्यमंत्री हो, जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या बात करने की बात करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम आज जनता को संबोधित करें, तो जनता एक उम्मीद के साथ उनको देखती है कि आज कोई बड़ी बात निकल कर आएगी, कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब निराशा हाथ लगती है तो आगे आने जो सब कुछ है वो आप लोगों के सामने, आप उस भाषण को देख सकते हैं पूरी तरीके से, अलग अलग जगहों पर आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बात जो निकल कर आनी चाहिए थी वो देखने को उसमें नहीं मिली। सबसे आज की दुखी जो स्थिति है, सबसे जो दुखी स्थिति है वो मजदूरों की है, गरीबों की है, दलितों की है। दलितों के ऊपर लॉकडाउन के साथ साथ जातिवाद का जो टेक पूरी तरीके से मारा जा रहा है, मजदूरों के साथ आज इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बंद है, व्यवसाय पूरा बंद है, ऊपर से उनके ऊपर इस तरीके का कारनामे, मजदूरों को उनको ट्रेनों पर किराए बढ़ाए जा रहे हैं, उनको काम काज का काम बढ़ाया जा रहा है, उनकी मेहनत का कोशिश की जा रही है। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई और समस्याएं आए, चाहे देश के अंदर किसी भी प्रकार की आपातकाल हो, कुछ भी हो, देश के अंदर अगर कोई मरने वाला व्यक्ति है तो वो गरीब आदमी है। लॉकडाउन में भी वो मरेगा, नोटबंदी के लाइन में भी वो मरेगा, आपातकाल में भी वही मरेगा, कई दंगे भड़केंगे तो वही मरेगा। यानी कि मरने के लिए सिर्फ और सिर्फ गरीब के अलावा और कोई भी आपको नहीं मिलेगा। मिलेंगे किस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए।